नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ HTML के बारे में, इंट्रोडक्शन दूंगा HTML पे, आखिर है क्या, कौन सी लैंग्वेज है, किस क्या यूज़ है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखी है आपको, ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएँ। सो उसमें मैंने 4 की पॉइंट्स लिखे हैं कि HTML क्या है। सबसे पहला जो हमारा आता है HTML एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो फुल फॉर्म है HTML का, वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, इसके मैं नाम से मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हाइपर टेक्स्ट मतलब ये टेक्स्ट से ही मिलके बनी है, पर इसमें हम थोड़े से टैग एक्स्ट्रा लगाते हैं, मार्कअप। अब आखिर ये आता है कि मार्कअप क्या होता है। दोस्तों, मार्कअप ये मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी है स्टेटिक्स। दोस्तों, मार्कअप आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि एक केवल इतना सा एरिया बोल्ड है और बाकी सब इटैल नॉर्मल फॉन्ट में है। ऐसा क्यों, पूरा क्यों नहीं बोल्ड है ये? दोस्तों, इसके लिए इन्होंने किया होगा कि इन्होंने इसको हेडिंग को H2 या H3 को भी रखा होगा और उन्होंने इसको स्पेसिफाई किया होगा कि ये बोल्ड रहेगा। मतलब इन्होंने केवल इसमें देखें तो 10 बेस्ट गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव 2018 इन्होंने इसको मार्क किया है बोल्ड से, और इन्होंने यहाँ पे बोल्ड किया है हेडिंग को। दोस्तों, ये मीन्स हो गया मार्क। अब लैंग्वेज तो आप समझ गए, एक तरह की लैंग्वेज ही है। तो HTML में बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता है। और अब मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अब सेकेंड स्टेप आता है हमारा, इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज यूजिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट। तो अब इसमें बात आती है आखिर ये वेब पेज क्या होता है, और इसको जब ये कई वेब पेज मिल जाए तो इससे क्या बनता है। दोस्तों, वेब पेज सिंपली एक पेज होता है जिसको बेसिकली आप हर वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो होम पेज होता है, और हर एक वेब पेज से मिलके दोस्तों आप ऐसे कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड ए वेबसाइट। वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहते हैं। मीन्स कैसे वेब पेज है, एक इस वेबसाइट में वेब पेज है होम, एक है साइट मैप वेब पेज, एक प्राइवेसी पॉलिसी, एक अबाउट अस, एक कॉन्टैक्ट अस, और ये पोस्ट ये भी एक तरह के वेब पेज ही हैं। तो इनसे मिलके पूरी एक वेबसाइट बनी। ठीक है, तो अब आपको बताता हूँ कि HTML का क्या काम है। दोस्तों, बेसिकली HTML एक फ्रेमवर्क है, आप समझ सकते हैं। HTML बेसिकली एक गाड़ी का ढांचा है, समझ लीजिए जैसे कि, और उसको चलाने के लिए जो इंजन है अंदर वो है CSS। उसका मैं अगला वीडियो ट्यूटोरियल बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा बता दूं, CSS केवल स्टाइलिंग के लिए होता है, HTML और भी अदर लैंग्वेज के लिए। तो आप जैसे कि आपने यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने केवल इतना लेफ्ट किया है मार्जिन यहाँ पे, और इतना इसको सेंटर में रखा है। इन्होंने केवल 1-2 कॉलम्स लिए हैं, एक इतना जिसमें इमेज और पोस्ट है, और एक इधर इनका साइड बार है। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे 2 चूज़ किए, आप यहाँ पे 3 भी चूज़ कर सकते थे। ठीक है, आप चाहें तो 3 चूज़ कर सकते हैं, आप 4 चूज़ कर सकते हैं, आप 5। और इन्होंने सबसे ऊपर यहाँ हीटर है, और ये नेविगेशन बार जिसमें आप लिंक लगा सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें, सर्च बॉक्स जैसे कि यहाँ पे लगा है, और भी बहुत कुछ। और नीचे आ जाता है हमारा, नीचे बनी जाती है हमारे फूटर की, मीन्स जो हमें नीचे रखना हो। पॉइंट है, द मार्कअप टेल्स द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेज वर्ड्स एंड द यूजर। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो मार्कअप है, जो हमारी HTML लैंग्वेज है, वो हमारे ब्राउज़र को बताती है कि आपको कैसे डिस्प्ले करना है वर्ड्स, इमेजेस और भी कुछ। जैसे कि यहाँ पे मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ, राइट क्लिक जाके, अगर आप क्रोम चला रहे हैं, क्रोम यूज़ करते हैं, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये HTML, ये इनका जो H1 हेडिंग साइट का टाइटल, वो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कैसे, बेसिकली टाइटल टैग के अंदर। तो बेसिकली अगर आप जैसे कोई भी वर्ड प्रोसेसर मीन्स MS वर्ड या नोटपैड पे आप लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिख के उसको अंडरलाइन या बोल्ड कर देते हैं, तो वो टाइटल नहीं लिखता है।
तो इसमें पर आपको ये नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कर यूज़ करना होगा H1 के अंदर टाइटल, ठीक है ना। तो और ये टाइटल आया है HTML के अंदर, जैसे कि ये दिखा रहा है ये HTML टैग है, और लास्ट में ये यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML टैग बंद मीन्स ख़त्म हो गया HTML। तो आप देख सकते हैं ये वर्क है HTML का, और भी कई चीज़ें आप HTML के ज़रिए कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर वेबसाइट जो होती है वो बनी होती है HTML पे मेनली सारी। अब चौथा पॉइंट जो हमारा आ जाता है वो आता है एवरी पेज इज़ एक्चुअली अ HTML फाइल। जी हाँ, बिल्कुल सही चीज़ है ये, कि ये जो इनका होम पेज है ये भी एक्चुअली एक फ़ाइल है, और इसके अंदर जो ये पोस्ट है ये भी एक्चुअली एक फ़ाइल है जो उन्होंने अब सर्वर पे होस्टेड है इनके, ठीक है ना। तो अब जैसे कि ये इनकी होम पेज फाइल है, तो अगर इसको हम यूपे सोर्स में देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिंक करा के रखी होगी, ये रखिए होम, ठीक है। तो अपनी ऐसे ही वेबसाइट बनाते हैं, उसमें आप अपना अबाउट अस पेज लगाते हैं ना, तो आपको एक फाइल बनानी होगी इन अबाउट अस के लिए। HTML से आपको एडिट करनी पड़ेगी, सारे टैग लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपके आपको लिंक कराना पड़ेगा अबाउट अस अपना, ठीक है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हर एक वेब पेज आता है हमारे सामने वो एक एक्चुअली में एक HTML फाइल होती है, और .html इसका HTML फाइल को हम .html से डिनोट करते हैं। दोस्तों बेसिकली जो इंट्रोडक्शन था HTML के, वो मुझे लगता है आप अब इनफ हो चुका है, ठीक है, बहुत हो गया। तो अब मैं ज़्यादा ना टच करते हुए थोड़ा सा आपको टैग्स के बारे में बताऊँगा जो कि मैंने स्क्रीन प्रेजेंटेशन बना के रखी है। दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा HTML टैग। दोस्तों यही हमारी एक लैंग्वेज है, और इसी को हम शुरू भी करते हैं, और इसी के अंदर हम सारी चीज़ें लिखते हैं जो कि हमें वेबसाइट में चाहिए। दोस्तों HTML टैग के अंदर दो टैग होते हैं मेनली, जो मेन टैग है एक होता है हेड टैग, एक होता है बॉडी टैग। हेड टैग मीन्स आप अगर डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं कि एक इंसान है उसका जो हेड है वो मेन है, और बॉडी है वो भी मेन है। अगर हेड नहीं होगा तो बॉडी के वर्क नहीं करेगी, अगर बॉडी नहीं होगी तो हेड नहीं वर्क करेगा। सो अब बात आती है कि हेड में हम ऐसी क्या चीज़ लिखते हैं जो हम बॉडी में नहीं लिख सकते। दोस्तों जो वेबसाइट का टाइटल होता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एस टी टेक्ट्रिक्स लिखा है, ये हमको असली में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं हमें लोकेट होके नहीं आ रहा है, पर ये है, तो इसको हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जो चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं, जो चीज़ हमें अपनी वेबसाइट में ज़रूरी होता है और हम उसको यूज़र को नहीं दिखाना चाहते हैं डायरेक्टली, उसको हम उन सारी चीज़ों को हम हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं। तो दो मेन टैग हैं वो इसके अंदर आते और भी हैं। पहला है टाइटल टैग। टाइटल टैग नाम से समझिए होंगे, टाइटल टैग के अंदर आप अपनी हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। तो मैं लाइव प्रीव्यू भी देता चलूँ कि एक सिंपल सा वेब पेज जो नोटपैड ही बेसिकली ओपन कर रहा हूँ, वैसे काफ़ी एडिटर आते हैं इसके, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया HTML टैग सिंपली लेस देन और ग्रेटर देन का साइन इंटर, और अब इसको आपको फिर से यही लिखना है HTML। बस जब आप एंड करेंगे तो अंतर ये रहेगा, आपको एक यहाँ पे बैक स्लैश दे देना है, ठीक है। तो अब आप अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा जो सेकेंड टैग, वो आता है हेड टैग, ठीक है। ये भी सेम एंड होता है बैक स्लैश से, हेड, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको भी एक टैग बता दिया टाइटल टैग, तो हमने लिख दिया टाइटल, और इसमें लिख दिया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है। और अब ये टाइटल अगर आप अभी अगर यहाँ पे टाइटल लिख के अगर आप एंड करते हैं तो बाद में आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो समझ लेगा कि ये सारी चीज़ें टाइटल है, इसीलिए हम बैक स्लैश लगाते हैं और ब्राउज़र को बताते हैं कि जो हमारा टाइटल टैग है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब बारी आती है सेकेंड टैग, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है मेटा टैग।
मेटा टैग दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली बेसिकली है SEO से रिलेटेड होता है मेटा टैग, ठीक है। तो मेटा टैग जैसे अगर SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपको मदद करता है गूगल या गूगल पे अपना पेज रैंक करने में और अपना SEO जो है वो वेबसाइट के लिए वो इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि आपके जो ज़्यादा चांसेस हैं आपके पोस्ट के रैंक करने पे गूगल पे सर्च इंजन्स पे, ठीक है। तो मेटा भी दे सकते हैं, पर वो इट्स नॉट, वो ज़रूरी नहीं है कि आप मेटा टैग दें। अब हेड टैग हो गया, अब और बारी आती है बॉडी टैग की। दोस्तों बॉडी टैग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वेबसाइट चलाते हैं, अगर आपकी वेबसाइट है तो सबसे मेन बात जितनी भी चीज़ें आती हैं बॉडी टैग के अंदर, जैसे कि ये सारे जो बार है, सॉरी इसको छोड़ के, ये जितने भी नेविगेशन बार है, नीचे के पोस्ट हैं, ये सब दोस्तों पूरी नीचे से लेके पूरा सब आता है बॉडी टैग में। बॉडी टैग में आप इमेजेस, टेक्स्ट, हेडिंग, लिंक, वीडियोस, हर चीज़ रख सकते हैं दोस्तों बॉडी टैग। ओके, बॉडी टैग लगा देते हैं। चलिए बॉडी सिंपली सेम है इसका भी दोस्तों, ये भी बैक स्लैश से ही एंड होता है। तो बॉडी टैग के अंदर अगर आपको लिखना है कोई भी टेक्स्ट, तो सबसे मेन टेक्स्ट लिखने का टैग है वो है पैराग्राफ टैग, मीन्स पी टैग, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ पी टैग। तो पी टैग मीन्स पैराग्राफ, और पैराग्राफ का पी फर्स्ट लेटर वो ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई हेडिंग लिख लेते हैं दोस्तों। हेडिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी वेबसाइट के लिए। हेडिंग HTML में है, होती है, पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप बेसिकली अगर आप इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ के बोल्ड इटैलिक कर देंगे, तो यूज़र जो भी चला रहा होगा वो समझ जाएगा कि ये हेडिंग है, ठीक है। पर अगर आप HTML में आपको, तो आपको यहाँ पर सिंपली टैग से डिनोट करना पड़ता है हर चीज़ को। यहाँ पर आप नॉर्मली कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अगर आप हेडिंग लिखना चाहते हैं तो हेडिंग का जो मेन टैग होता है वो होता है H, और उसके बाद H के बाद 1 2 3 4 5 6, ये क्या है दोस्तों, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये है हेडिंग के 6 प्रकार की हेडिंग होती है HTML में। 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स आर यूज्ड इन HTML। H1 सबसे बड़ी होती है, अगर आपको टेक्स्ट आपका मेन हेडिंग है, आपको साइट का टाइटल अगर आपको दिखाना है अपनी वेबसाइट पे, तो आप यूज़ करेंगे H1। और अगर आपको कम हेडिंग चाहिए, छोटी हेडिंग चाहिए, मीन्स आप चाहते हैं वो यूज़र को बताएं कि ये हेडिंग भी है और थोड़ा साइज में भी कम हो, तो उसी प्रकार उसी टाइप से जो साइज़ है उनका घटता चलाता है H2 H3 H4 H5 H6। सबसे छोटी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम H1 यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम अभी सिंपल सा पहली हेडिंग करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन HTML, ठीक है। अब आपको एंड करना है इसको H1, और यहाँ पे भी आपको बैक स्लैश देना होगा, वरना नीचे जितनी चीज़ होगी वो समझ लेगा कि ये सारी हेडिंग है, सबको हाईलाइट कर देगा, बोल्ड कर देगा, ठीक है। तो अब चलिए हम सेव कर लेते हैं, पर सेव करने के लिए आपको ध्यान रहे दैट मेनली सेव ना करें, आप सेव एज में जाएं और जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं वहाँ पे लिखिए index.html। तो सिंपली हम एक फोल्डर में सेव कर लेते हैं इसको, चलिए, ताकि आसानी है प्रोग्राम में। HTML कोई भी फोल्डर में आप रख सकते हैं, और बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको लिखना है index.html, ठीक है। तो सेव हो चुकी है, तो चलिए ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ओपन विथ गूगल क्रोम, जो देख सकते हैं हेडिंग हाईलाइट हो चुकी है, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टू HTML आ चुका है। अब आपको बताता हूँ सेकेंड जो कि हमारा टैग है वो है पी टैग, मीन्स पैराग्राफ टैग। तो अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं पैराग्राफ, और फिर सिंपली क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी लिखते हैं वो पैराग्राफ के
टाइप में लिख जाएगा। तो चलिए जो हमारे सारी चीज़ें जो कुछ कॉपी कर लेते हैं ताकि क्या ना लगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं। चलिए हमने तो कई बार इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। सेव किया, इसको रिलोड किया, दोस्तों ये देखिए आज का। तो अब बारी आती है यहाँ पे कोई भी इमेज लगाने की, दोस्तों इमेज। ठीक है, तो इमेज कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो इमेज के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे नहीं बनाया था वीडियो, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अगर मैं तीन बुला चुका हूँ तो इमेज भी एक लगाना बता दूँ ताकि आपका थोड़ा जो इंटरेस्ट है वो HTML के लिए थोड़ा आ जाए। दोस्तों इमेज लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको देना पड़ता है टैग। जी हाँ, यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक टैग की ज़रूरत है दोस्तों। वो टैग है इमेज टैग IMG। ठीक है, और इसी के अंदर अब आपको लिखना होगा SRC। SRC मीन्स सोर्स, SRC और फिर इक्वल्स का साइन और फिर एक सिंगल अपोस्ट्रॉफी। इसके अंदर अब आपको इमेज कोई भी देनी होगी, तो चलिए कॉपी। और अब आपको पेस्ट करना होगा जहाँ पे आपने HTML फाइल पेस्ट की है, यहीं पे आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और रीनेम बेसिकली वन कर देते हैं .png, तो ये भी ध्यान रहे आप .png को लोकेट करें वन .png। अब आपका इमेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे लोकेट करना चाहिए इमेज। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमेज आ चुकी है दोस्तों। और भी चीज़ें हैं, आप इमेज पे बॉर्डर भी चूज़ कर सकते हैं, पर वो अभी नहीं, बाद में जब मैं और आगे वीडियो बताऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। HTML के बारे में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बना दिया है आपके लिए, जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था दोस्तों। अगर आपको आपने अभी तक हमारे दो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें मैंने बताया कि एक सिंपल सा वेब पेज आप कैसे बना सकते हैं, तो अभी जाके देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई बात आपको अभी तक नहीं समझ में आई, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप फ्री हैं। मैं बेसिकली जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा और मैं कमेंट देखता हूँ, मैं आपको कमेंट के ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।